यहाँ क्वेश्चन है x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आपसे पूछी है। यहाँ से मैं आपको तीन क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने सिखाऊंगा, आप उस चीज़ को ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 कहाँ से मिल सकता है ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब से तो आपको मिलता है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस वन बटे में x। तो यहाँ से ये आपको प्राप्त होगा, ये आपको चाहिए तो इसको यहाँ लाके माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू चाहिए। जब भी आपको x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अगर x प्लस वन अपॉन x दिया है तो क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इस वैल्यू का करें आप स्क्वायर जो कि हो गया 9। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो वहाँ प्लस करते, अभी माइनस करना है 2, हमेशा दो ही माइनस करेंगे, दो ही प्लस करेंगे। तो इसका मतलब x प्लस वन अपॉन x का जब भी आपको वैल्यू दी है और x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर निकालना है तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर यहाँ प्लस है, माइनस कर देंगे जब यहाँ प्लस है और प्लस कर देंगे जब यहाँ माइनस है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी 7 इंटू। अब एक क्वेश्चन निकालना आपको आ गया, मैंने कहा था इसी क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपको निकालने सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप सीख गए कि x प्लस वन अपॉन x से x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर आता है कि x प्लस वन अपॉन x से x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो जो x प्लस वन अपॉन x दिया है ये 3 है, इसको लिख लिए। आपको क्यूब चाहिए तो इस वैल्यू का क्यूब ही करना है और उसमें से इस वैल्यू का हमेशा 3 गुना माइनस करना है, 3 गुना माइनस करना है, क्यूब करके 3 गुना माइनस करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो 27 माइनस 9 हो गया 18। अब ये वैल्यू जो है इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 18, 18 सत्ते 126 होता है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो ये प्लस में है इसे इधर लाके कर देंगे माइनस, 126 में से माइनस कर देंगे क्या, x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू जो कि यहाँ 3 दी हुई है, तो 3 माइनस कर दें तो कितना आया 123। तो आपने इस इक्वेशन को देखा और इस सेशन के अंदर आपने सीखा कि x प्लस वन अपॉन x की वैल्यू दी है तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर कैसे निकालते हैं, x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब कैसे निकालते हैं और x रेज़ टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन x रेज़ टू द पावर 5 कैसे निकालते हैं, ये सारा आपको इसमें करना होता है। अब जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, एक शॉर्ट रिकैप देखिए। वन अपॉन एक्स स्क्वायर कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब से तो आपको मिलता है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस वन बटे में x। तो यहाँ से ये आपको प्राप्त होगा, ये आपको चाहिए तो इसको यहाँ लाके माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले आपको x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर और x क्यूब प्लस वन अपॉन x क्यूब की वैल्यू चाहिए। जब भी आपको x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, अगर x प्लस वन अपॉन x दिया है तो क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इस वैल्यू का करें आप स्क्वायर जो कि हो गया 9। और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो वहाँ प्लस करते, अभी माइनस करना है 2, हमेशा दो ही माइनस करेंगे, दो ही प्लस करेंगे। तो इसका मतलब x प्लस वन अपॉन x का जब भी आपको वैल्यू दी है और x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर निकालना है तो आप इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और दो सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर यहाँ प्लस है, माइनस कर देंगे जब यहाँ प्लस है और प्लस कर देंगे जब यहाँ माइनस है। तो ये वैल्यू आ गई इसकी 7 इंटू।
अब एक क्वेश्चन निकालना आपको आ गया, मैंने कहा था इसी क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन आपको निकालने सिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आप सीख गए कि x प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर आता है कि x प्लस वन अपॉन एक्स से एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करें, यहां है। अब आपको चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, यहां आपको चाहिए क्यूब, तो इस वैल्यू का जो मान दिया है 3 उसका क्यूब ही करना है। क्यूब चाहिए तो क्यूब करना है, जैसे यहां जब स्क्वायर चाहिए था तो हमने स्क्वायर किया था, अब आपको चाहिए एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, तो जो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दिया है ये 3 है, इसको लिख लिए। आपको क्यूब चाहिए तो इस वैल्यू का क्यूब ही करना है, और उसमें से इस वैल्यू का हमेशा 3 गुना माइनस करना है, 3 गुना माइनस करना है, क्यूब करके 3 गुना माइनस करना है। अगर प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है, तो 27 माइनस 9 हो गया 18। अब ये वैल्यू जो है इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 18, 18 सत्ते 126 होता है, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई। आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो ये प्लस में है इसे इधर लाके कर देंगे माइनस, 126 में से माइनस कर देंगे, क्या x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ 3 दी हुई है, तो 3 माइनस कर दें तो कितना आया 123। तो आपने इस इक्वेशन को देखा और इस सेशन के अंदर आपने सीखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब कैसे निकालते हैं, और x रेस टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन x रेस टू द पावर 5 कैसे निकालते हैं, ये सारा आपको इसमें करना होता है। अब जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, एक शॉर्ट रिकैप देखिए। जब भी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स दिया है तो आपको करना है इसका स्क्वायर, माइनस 2 करना है अगर प्लस है तो, 7 आ गया, एक बार करना है इसका क्यूब 27, माइनस करना है इसका 3 गुना 3 9 जो कि होगा 18, इन दोनों की हमेशा करनी है मल्टीप्लाई जो कि 126 आ गया, और फिर इसी संख्या को जो यहाँ है उसको कर देना है इसमें से माइनस, 123, ये होता है x की पावर 5 प्लस वन अपॉन x की पावर 5 जब आपको दिया हो x प्लस वन अपॉन एक्स। बस ये आप लोग याद रख लीजिए, इस तरीके से सीख लीजिए, जो पहले सिखाया वो सब सिखाने के लिए था, करने के लिए हमेशा यही है।